क्वांटम थ्योरी के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। क्वांटम थ्योरी कहती है कि इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ में वाइब्रेशन है, जो हमें किसी न किसी तरीके से ज़रूर अपना असर दिखाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मेरी वाइब्रेशन आपको मेरे वीडियो तक खींच कर ले आई, मुझे देखने के लिए मजबूर करती है, वैसे ही शायद आपकी कोई बात मुझे आकर्षित कर जाए। ऐसा ही होता है। और अगर एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देखिए, जब आप किसी कमरे में अंदर जाएं और वहाँ के सभी लोग बहुत खुशनुमा हो, बहुत ही हंसी खुशी का माहौल हो, तो आपको क्या होता है, आप भी उसी रंग में रंग जाते हैं और तुरंत खुश हो जाते हैं। जबकि जब आप किसी ऐसे कमरे में जाएं जहाँ पहले से ही शोक सभा हो या कोई गुस्से का माहौल बना हो, तो धीरे धीरे वो भी आप पर रंग दिखाने लगता है। तो आप इस बात से तो अग्री ज़रूर करते होंगे कि जो एनर्जीज़ हैं वो हम पर काम करती हैं। आज जो मेरा वीडियो है वो इसी बात पर है कि प्लैनेट्स में कौन सी ऐसी एनर्जीज़ हैं, कौन से ऐसे रिलेशंस हैं जो हम पर काम करते हैं। हमारे जीवन में कई सारे रिश्ते होते हैं, बचपन से बड़े होने तक हम बेटी, माँ, बहू, पत्नी, बहुत सारे रिश्तों से जुड़ते हैं। एम्प्लॉय होते हैं, कभी एम्प्लॉयर होते हैं, कभी हमारे सेवादार होते हैं, कभी हम सेवादार होते हैं। ऐसी सभी रिश्तों के लिए प्लैनेट्स हैं। और कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो आपको प्रभावित कर रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आज के इस वीडियो में पता चलेगा। साथ में आपको किस रिश्ते पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, और अगर ये रिश्ता आपका ख़राब चल रहा है तो समझ जाइए कि आपका ये प्लैनेट वीक है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स, सजेशन, एडवाइसेस प्लीज़ लिखना मत भूलिए। जो भी आपको इस वीडियो को देखकर फीलिंग हुई है वो ज़रूर मेंशन कीजिए। और मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए फिर से धन्यवाद। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और पेरेंट काउंसलर, और साथ में आपकी वेल्यूशर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले प्लैनेट की बात करते हैं, जो है सूर्य यानी कि सन। और अगर आप महीने की फर्स्ट को, टेंथ को, नाइनटीन्थ को या 28th को बॉर्न हो, तो वैसे भी आपके स्वामी खुद सूर्य हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो कि सूर्य से, जिनको गवर्न कर रहे हैं सूर्य, सन गवर्न कर रहे हैं, ये जो प्लैनेट है ये प्लैनेट ऑफ सेल्फ कहा जाता है। ऐसे लोग खुद में काफ़ी परिपूर्ण होते हैं, मगर जो रिश्ता इनके लिए महत्वपूर्ण होता है वो है पिता का रिश्ता, पिता तुल्य लोगों का रिश्ता, यानी ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपके खुद के फादर। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो ये प्लैनेट आपसे दुखी हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके फादर के साथ या फादर रिलेटेड कोई भी ऐसे पर्सन जिनको आप फादर की तरह मानते हैं, उनके साथ आपके संबंध कड़वे चल रहे हैं या खट्टे चल रहे हैं, तो समझ जाइए कि सूर्य के प्रभावों में कमी आ रही है। रेमिडीज के लिए मेरा वीडियो है, वो जरूर देखिएगा। हम चलते हैं दूसरे प्लैनेट की तरफ। अब बात करते हैं सेकंड प्लैनेट की, विच इज मून, प्लैनेट ऑफ इमोशंस। सौम्य और शीतल दिखने वाला चंद्रमा बहुत ही प्रभावी है उन लोगों पर जो किसी भी मंथ की सेकंड को, 11th को, 20th को या 29th को बॉर्न है। आपका स्वामी ही चंद्रमा है और आपके लिए जो रिश्ता मायने रखता है वो आपकी माँ का रिश्ता है, या माँ तुल्य किसी भी व्यक्ति का जिनको आप माँ का दर्जा देते हैं। इनकी ब्लेसिंग्स लेना, इनके हाथ से कुछ भी शुभ कार्य की शुरुआत करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप इन नंबर्स में नहीं आते हैं तो भी, अगर आपकी माँ से आपका रिश्ता खराब चल रहा है, तो समझ जाइए चंद्रमा खराब है। अब चंद्रमा के लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। तो अगले प्लैनेट की बात करते हैं। अगला प्लैनेट है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, विच इज कॉल्ड प्लैनेट ऑफ लक, प्लैनेट ऑफ ग्रोथ। इस प्लैनेट से जुड़े वो लोग हैं जो किसी भी मंथ को, 3rd को, 12th को, 21st को या फिर 30th को बॉर्न है। और इनके लिए जो रिश्ता सबसे ज़्यादा मायना रखता है वो है टीचर का, गुरु का। आप गुरु की बुराई करते हैं, टीचर की बुराई करते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, तो आपका गुरु कमज़ोर होने लगता है, आपका लक फेवर नहीं करेगा। याद रखिए, अगर आप इन डेट्स पे बॉर्न हैं तब तो बिल्कुल ही आपको आपके टीचर्स की, चाहे टीचर फिगर की, हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते तब भी आप उन्हें एक बार प्रणाम ज़रूर करें, उनका नमन करें, उनका अभिवादन करें। और अगर आप इस प्लैनेट से नहीं रूल हो रहे हैं तो भी, अगर आपके टीचर्स के साथ लेकर अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, तो इसका मतलब है जुपिटर खराब का चल रहा है। जुपिटर के लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं फोर्थ प्लैनेट की, और फोर्थ प्लैनेट है राहु यानी कि यूरेनस, विच इज नॉट अ प्लैनेट, विच इज अ नोड ऑफ, नॉर्थ नोड ऑफ मून। तो ये जो रिलेशंस है वो किसे देखता है, पहले देख लें कौन से डेट्स वाले लोग इसे रिलेट करते हैं। तो अगर आप किसी भी मंथ की 4th को बॉर्न हैं, 13th को बॉर्न हैं,
22nd को बॉर्न है या 31st को बॉर्न है, याद रखिए राहु ही आपका स्वामी, यूरेनस ही आपका स्वामी है। और ऐसे लोगों को जो रिश्ते ध्यान रखने चाहिए वो हैं, पहले तो आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स जो होंगे वो, या आपके मैटर्नल ग्रैंड मदर जो होंगी वो, साथ ही साथ जो सेवादार होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं हमारे, जो हमारी तरह प्रिविलेज नहीं है, उनके पास उतनी सुविधाएँ नहीं हैं, उनके साथ आप जेलेसी का रिलेशन ना क्रिएट होने दें, उनकी इज्जत करें और उनको भी समय समय पर कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर करते रहें, हो सके तो अपनी ही चीज़ें गिफ्ट कर दिया करें, तो इससे आप राहु को शांत कर सकते हैं। अगर आप इस डेट पे बॉर्न नहीं भी हैं तो भी अगर आपके एम्प्लॉय जो हैं वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब है आपका राहु खराब चल रहा है। अब बात करते हैं नंबर 5 यानी 5th नंबर प्लैनेट की, और 5th नंबर प्लैनेट है मार्स। मार्स उन लोगों को गवर्न करता है जो किसी भी मंथ की 5th को, 14th को या 23rd को बॉर्न होते हैं। और मार्स जो है वो कम्युनिकेशन का प्लैनेट भी है। और कौन से रिश्ते रिलेट होते हैं इससे, तो वो रिश्ते रिलेट्स होते हैं जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे, आपकी फैमिली या आपके इर्द गिर्द रहने वाले, साथ ही आपकी फ्रेंड्स का भी नंबर है ये। तो अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग कर रहे हैं और वहाँ वो बात नहीं बनती है, इसका मतलब कि आपका मास जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, अब आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है। साथ ही अपने आसपास खेलने वाले बच्चों को, रहने वाले बच्चों को कभी कभी गिफ्ट करें और उनके साथ प्यार का बर्ताव करें। और किन्नरों की भी ज़रूर रिस्पेक्ट करें, जो किन्नर होते हैं वो यूनिसेक्स होते हैं और वो इस नंबर से भी रिलेट करते हैं, तो उनकी भी ज़रूर रिस्पेक्ट करें। कुछ लोग उनके साथ हीन दृष्टि से उनके साथ बर्ताव करते हैं, साथ ही उन्हें देखकर मुंह बनाने लगते हैं, इससे ज़रूर बचिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 6 की, और नंबर 6 प्लैनेट है वीनस यानी कि शुक्र, शुक्राचार्य का प्लैनेट है। और कौन से लोग इससे गवर्न होते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में यानी 1st नंबर जो है वो 6 आ जाए, 15 आ जाए या फिर 24 आ जाए, ये सभी लोग वीनस के होते हैं। और इनके लिए जो सबसे बड़ा रिश्ता काम करता है, पहले मैं ये बता दूँ ये प्लैनेट किस चीज़ का है, ये प्लैनेट है लव, लक एंड मनी का, स्पेशली मनी एंड लव का, रिश्तों का प्लैनेट है। तो अगर आपकी हॉस्पिटैलिटी खराब हो रही है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते, या आपके कुछ ऐसे रिश्ते जिन्होंने बहुत पुराने टाइम से आपसे संबंध बनाया हुआ था बट अब तोड़ दिया है, आप कुछ हद तक इसमें कहीं किसी भी तरह की पार्टनरशिप को भी देख सकते हैं, जैसे आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके ऑफिशियल पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके टीममेट्स, अगर आपके साथ अच्छा रिश्ता नहीं महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब वीनस खराब चल रहा है, शुक्र खराब चल रहा है। तो अगर आप इस डेट को बॉर्न है तब तो बिल्कुल वीनस आपके फेवर में रहेगा और इन रिश्तों पर बिल्कुल ध्यान देना है, लेकिन अगर आप इन रिश्तों में खराबी महसूस करते हैं इसका मतलब आपका वीनस भी पुअर है, अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर सेवन है उन लोगों का जो किसी भी मंथ को 7th को बॉर्न है, 16th को बॉर्न है या फिर 25th को बॉर्न है। ये सभी लोगों के स्वामी नेपच्यून है यानी कि केतु। आपका प्लैनेट कौन सा हुआ, केतु। केतु जो है वो साउथ नोड होता है मून का, ये भी प्लैनेट नहीं है। तो ये प्लैनेट जो है शो करता है आपकी फ्रेंड्स के साइड को, फ्रेंड्स के साइड को, हीलिंग साइड को। अगर आप साधु संतों की बुराई करते हैं, साधु संतों को इंसल्ट करते हैं, या किसी दोस्त की इंसल्ट करते हैं, या किसी महिला मित्र की इंसल्ट करते हैं, तो इसका मतलब आपका केतु खराब चल रहा है। साथ ही साथ आपके जो कुछ पैटर्नल रिश्ते भी होते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, वो भी कहीं ना कहीं केतु से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि राहु और केतु दे आर कनेक्टेड, तो उनके रिश्ते भी बहुत हद तक उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो बाहरी दुनिया में है। हमारे नेबर्स का भी नंबर होता है ये, तो आप ध्यान दें कि क्या आपके इन रिश्तों में तो कहीं खराबी नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो इसका मतलब केतु के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो ध्यान दें इन रिश्तों की तरफ, अगली नंबर की तरफ चलते हैं। नाउ 8th नंबर प्लैनेट इज सैटर्न, और ये उन लोगों का है जो किसी भी मंथ की 8th को, 17th को या फिर 26th को बॉर्न है। दे आर स्ट्रेट गवर्न्ड बाय सैटर्न या फिर शनि। और ऐसे लोगों को बता दूं मैं कि आपका प्लैनेट है कर्मास का, यानी जो भी कर्म करेंगे वो मल्टीप्लाई होकर मिलने वाले हैं। अच्छे कर्म भी 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बुरे भी, तो मेक श्योर कि आप अपने कर्मास को चेक करते रहें, कोई भी चीटिंग, स्टीलिंग और गलतियों का साथ बिल्कुल ना दें, हमेशा सही और सच का साथ दें। सच बोलने से आप वैसे भी नहीं हिचकिचाते हैं, लेकिन अगर आपको जो रिश्ता प्रभावित कर रहा है, अगर वो जानना चाहते हैं, तो जानिए कि आपके साथ काम करने वाले वो एम्प्लॉयज, सर्वेंट्स जो रोज आपको देखते हैं और आपके साथ घंटों या पूरे दिन तक रहते हैं, ऐसे लोग
आपके रिश्तों के साथ कनेक्टेड, आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, अगर आप उनके साथ अपने रिश्ते डेवलप नहीं कर पाए या बेकार चल रहे हैं वो रिश्ते, वहाँ जलन या चिढ़ की भावना पैदा हो रही है, इसका मतलब शनि खराब चल रहा है। साथ ही साथ जो जानवर हमारे, जिन्हें कोई भी खाना नहीं डालता, ऐसे जो अनाथ जानवर होते हैं, कुत्ते, गाय और दूसरे जानवर, वो भी शनि के सिंबल होते हैं, तो उनके, आपकी गाड़ी के नीचे अगर वो आ गए या उन्हें चोट लग गई या आपने उनको धक्का दे दिया या पत्थर मार दिया, तो याद रखिए ये भी शनि को ख़राब करने जैसा ही है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो याद रखिए, भले ही आप इस नंबर से ना हो, फिर भी आपका शनि नीच का चल रहा है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। 9 नंबर पर आ जाते हैं। 9 नंबर उन लोगों का है जो किसी भी मंथ को 9th को बॉर्न है, 18th को बॉर्न है एंड 27th को बॉर्न है, और ये प्लैनेट है मार्स। और मार्स जो प्लैनेट है वो माना जाता है प्लैनेट ऑफ पैशन, यानी किसी काम के लिए जो पैशनेटली आप काम करते हैं वो, और अगर आप कोई पैशनेटली काम करें और वो गड़बड़ हो जाए, वो काम हो ही ना, तो आपको कैसा लगेगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसका मतलब है कौन सा रिश्ता इसके लिए काम करता है वो जान लें, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स का, आपके जो बड़े भाई बहन, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके लिए गलत सोचते हैं, उन्हें छोटी नज़र से देखते हैं, उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, तो याद रखिए मंगल कभी फल नहीं देने वाला है। ऐसे लोग रिश्तों में तो धोखा खाते ही हैं, साथ साथ उन्हें आगे चल के बहुत सारे पारिवारिक विवादों में भी जुड़ना पड़ता है, तो इस चीज़ से बचें। अगर आप इस नंबर से हैं तब तो आपको अपने बड़े भाई और बड़ी बहन को बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी जो लोग ऐसा देख रहे हैं कि उनके घरों में उनके बड़े भाई बहनों के बारे में उनकी सोच अच्छी नहीं है, इसका मतलब उनका भी मंगल खराब चल रहा है, तो ध्यान देना होगा आपको। ये थे सारे 1 से लेके 9 तक सारे प्लैनेट्स और उनके रिश्ते, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये है तो आपने मैच कर ही लिया होगा कि आपके लिए कौन सा रिश्ता फलदाई है और किस तरह से। इससे जुड़े रेमेडीज़ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, उसे देखिएगा, और अगर आपका ये प्लैनेट अच्छा नहीं है तो वो रेमेडीज़ ज़रूर करके देखिए, 28 से 41 डेज में पक्का रिजल्ट्स आ जाएंगे। मुझसे जुड़ने के लिए आपको मैंने बता ही दिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर है, साथ में आप यूट्यूब पर भी मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियोज़ देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अपने सभी रिश्तों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए और उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। What you give, you will get back. तो जब आप रिस्पेक्ट देंगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगा। और अपना इसी प्रकार ध्यान रखिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।